नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बहुत दुखद खबर है। आपको सिटी पोस्ट सबसे पहले बता चुका है कि अब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के बड़े नेता थे, एकलौते समाजवादी ऐसे थे नेता जिनका मान सम्मान हर दल के नेता करते थे। आरजेडी के नेता थे, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया था और कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू के साथ हमेशा रहे। 32 साल तक लालू का साथ दिया और अपने निधन के पहले पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और लालू यादव को बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर के बाद से 32 साल तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब ये संभव नहीं है। लालू यादव ने भी उसी तरह से उनको पत्र लिखा और कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, हम मिल बैठकर बात करेंगे। तो लालू यादव उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि अब हमारे बीच नहीं रहे रघुवंश बाबू, दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया है और पूरा देश मर्माहत है। बिहार में बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है, इस क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है। रघुवंश बाबू नेता थे आरजेडी के, लेकिन कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका सम्मान नहीं करता था। रघुवंश बाबू राजपूत बिरादरी के बड़े नेता थे, लेकिन कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके लोग रघुवंश बाबू को प्यार नहीं करते थे। तो रघुवंश बाबू के निधन के बाद राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी दुख जताया है, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तो रघुवंश बाबू की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया पार्टी दफ्तर में और कहा कि 3 दिनों तक पार्टी दफ्तर खुला नहीं रहेगा, पार्टी का कोई कामकाज नहीं होगा और 7 दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल का झंडा झुका रहेगा। यानी राष्ट्रीय जनता दल 7 दिनों तक रघुवंश बाबू के निधन का शोक मनाएगा। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। हमारे अभिभावक इधर से नहीं हुआ, उधर प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ, पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में, हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात किए थे। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे कि जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिलकर के हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का, आदरणीय लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी, आज जब निधन की खबरें न्यूज चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। हालांकि हमारी चाहे पटना में जब भर्ती थे या दिल्ली में भर्ती हो तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे उनके और लगातार उनके डॉक्टर के भी संपर्क में रहे। हालांकि डॉक्टर द्वारा जो हम लोगों को जो न्यूज मिला था कि लंग्स में जो है कैंसर उनको हुआ है और कोरोना भी था और निमोनिया की भी शिकायतें आई थी, इस कारण हम को लगा कि नहीं भाई, हमको जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये बातें तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी उनसे हुई। सब कुछ ठीक लग रहे थे, दिखने में भी ठीक लग रहे थे, रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से जो है स्वास्थ्य में जो है गिरावट आई और उसके बाद भी लगातार जो वहाँ एम्स के कई डॉक्टर हैं उनके भी हम लोग संपर्क में रहे और आज जो है ऐसी सूचना मिली। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि
पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, यानी कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होंगी और 7 दिनों तक झंडा भी जो है वो झुका दिया गया है। और हमको दुख है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको उनकी थी, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं। ज़्यादा कुछ हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उनके परिजनों के साथ हम लोग लगातार खड़े रहेंगे। जो उनमें संघर्ष करने की क्षमता रही, जो हम लोगों ने देखा कि एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, किसान, नौजवान, हर एक मसले पर लगातार जो है प्रखर आवाज़ उन्होंने उनके लिए, गरीबों के लिए उन्होंने उठाने का काम किया। हम लोग सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार से यही कहेंगे कि हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ हैं। तो इसी एक सवाल उनका, रघुवंश बाबू ने जो आखिरी 10 तारीख को एक पत्र लिखा था जिसमें वैशाली के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि उनकी बातें माने, अभी शोक में है। ये वक्त जो है राजनीति का नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं, ये समय राजनीति का नहीं है। और लगातार लालू जी ने अपने चिट्ठी में भी स्पष्ट किया था कि रघुवंश जी आप कहीं नहीं जाने देंगे उनको, और आप जो हैं कहीं नहीं जाइएगा, समझ लीजिए। जो लालू जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पे नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ये ठीक समय राजनीति का नहीं है, इसलिए ज्यादा इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। उनके लिए अधूरे बात करा गया वैशाली को लेकर, क्या आप पूरा करेंगे? नहीं, देखिए एक समाजवादी नेता रहे, लगातार रघुवंश बाबू ने जो गरीब विरोधी सरकार रही, मजदूर विरोधी सरकार रही, किसान विरोधी जो सरकार रही, युवा विरोधी जो सरकार रही, उनके खिलाफ हमेशा से हल्ला बोला है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मुद्दे पे वो उन्होंने बातें जो है संघर्ष उन्होंने किया है। जब भी नौजवानों की बात आई हो, जब भी किसानों की मुसीबतें आई हो, जब भी मजदूरों परेशानियां में हो, गरीब भूखमरी से गुजर रहा हो, हमेशा से मुखर होकर के, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उनको घेरने का काम किया है। तो यह जज्बा तो उन लोगों, कुछ चंद लोग ही हैं जिन्होंने हमको ऊर्जा देने का काम किया, उनमें से वो एक थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। तो तेजस्वी यादव को आपने सुन लिया, बहुत आहत हैं, मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं, और उन्होंने कहा है कि 3 दिनों तक पार्टी के दफ्तर में कोई कामकाज नहीं होगा। आपको पता ही है कि चुनावी माहौल है, हर दफ्तर में गहमागहमी है, लेकिन तेजस्वी यादव का ARJD दफ्तर 3 दिनों तक बंद रहेगा, कोई कामकाज नहीं होगा, किसी को यहाँ आने जाने और राजनीति करने की इजाज़त नहीं होगी, पार्टी का झंडा भी 7 दिनों तक झुका रहेगा, यानी 7 दिन बाद ही तेजस्वी यादव राजनीति शुरू करेंगे। तो बिहार के लिए बड़ी खबर है, हर कोई दुखी है। मुझे लगता है कि लाखों ऐसे घर हैं बिहार के जिनके चूल्हे नहीं जलेंगे, जहाँ चूल्हे नहीं जलेंगे सामने, सब लोग आहत हैं, बहुत दुखी हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं इसे अपनी क्षति मानता हूं कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि रघुवंश बाबू जैसा बड़ा कद वाला नेता कोई अब है नहीं। लालू यादव बड़े नेता थे, वो बीमार हैं, रांची रिम्स में हैं, चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं,
तो वो उपलब्ध नहीं है मीडिया से बातचीत करने के लिए। रघुवंश बाबू इकलौते ऐसे बड़े नेता थे, समाजवादी नेता थे, जिनसे मीडिया कर्मी कभी भी कहीं भी मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये केवल राजनीतिक क्षति नहीं है, ये मीडिया के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है। हमने एक ऐसा नेता खो दिया है जो देश की हर घटना पर, दुर्घटना पर, राजनीति पर, बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। रघुवंश बाबू केवल नेता ही नहीं थे, एक शिक्षक भी थे, वो मैथ के शिक्षक थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। राजनीति में वो कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से ही सक्रिय थे, कर्पूरी ठाकुर के साथ वो लगे रहे और कर्पूरी ठाकुर के बाद उन्होंने लालू यादव का 32 साल तक साथ दिया, यानी मरने तक साथ दिया। मरने के पहले पार्टी छोड़ चुके थे, सादे कागज़ पर 4 लाइन का बहुत ही भावनात्मक इस्तीफा उन्होंने लिखा था और कहा था कि 32 साल तक, कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 साल तक मैं आपके पीछे खड़ा रहा लालू जी, अब ये संभव नहीं है। लालू यादव भी बहुत आहत हुए और उन्होंने भी जेल से एक सादे पेपर पर, सादे पन्ने पर पत्र लिखा और कहा कि रघुवंश बाबू, आपसे रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है, आपके साथ मिल बैठ कर मैं पारिवारिक और राजनीतिक बात करता हूँ, मिल बैठ कर बात कर लेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे। तो लालू यादव लगातार रघुवंश बाबू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रघुवंश बाबू का पार्टी छोड़ देना आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका भी था, लेकिन अब तो उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी है, पूरे बिहार को झटका दे दिया है, पूरे देश को झटका दे दिया है, क्योंकि ये रघुवंश बाबू वही रघुवंश बाबू हैं जिनकी बदौलत यूपीए की सरकार दोबारा सत्ता में आई थी, तिबारा यूपीए की सरकार बनी थी और उनकी एक ही योजना थी जिसने यूपीए को तीन बार सत्ता में आने का मौका दिया था, वो था मनरेगा। आज भी उनकी ये योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसी योजना के तहत कोरोना के संक्रमण काल में लाखों लोगों को सरकारें रोजगार दे रही हैं। तो रघुवंश बाबू को पूरा देश कभी नहीं भुला पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, यही रघुवंश बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बिहार की राजनीतिक गलियारे की हर खबर आपके लिए सबसे पहले हम लाते रहेंगे।